नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 अगस्त 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो सवाल आ रहा था कि क्या डेट और आगे बढ़ेगी, जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जो आवेदन की अंतिम तारीख वो 30 अगस्त है। तो सभी बच्चों का एक ही सवाल है कि क्या डेट और आगे बढ़ सकती है। सवाल दोस्तों क्यों आ रहा है आपको पता है? क्योंकि दोस्तों देखिए, रिजल्ट में देरी हो रही है। तो क्या रिजल्ट में देरी से छात्र नहीं कर पाएंगे आवेदन? तो गाइस देखिए, आवेदन करने से पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना जरूरी है। उसका रीजन ये होता है ना, जब आप आवेदन करते हैं तो वहां पर आपके ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाता है। जब रिजल्ट आएगा तभी तो उसको आप डाल सकते हैं। और देखिए, आपका एक और सवाल था कि क्या सीटें 2 गुनी होंगी? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत से बच्चों ने पूछा, तो इसका आंसर भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल सही खबर दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद एक और सवाल, टॉपर छात्र क्यों पसंद करते हैं डीएलएड? जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि जितने बच्चे टॉपर होते हैं वो डीएलएड में क्यों आते हैं, वो बीएड क्यों नहीं करना चाहते हैं? उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या होगी 2021 में? जी हाँ दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, सभी बच्चे परेशान है कि हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, टोटल जो सीटें हैं वो 10,600 हैं। और आपको बता दें, जो सरकारी कॉलेज की फीस होती है एक साल की वो 10,200 रुपये होती है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेंगे तो आपको एक साल का 41,000 रुपये देना पड़ेगा। और प्राइवेट वाले भाई अलग से भी आपको लूटेंगे, ठीक है, अलग अलग तरह से आपसे पैसा वसूली करेंगे, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉलेज लेने से पहले एक बार कॉलेज में जाकर बात कर लीजिएगा कि क्या क्या वो फैसिलिटीज आपको देंगे। सवाल पहला आपका ये होना चाहिए कि अगर हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे तो क्या हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लिया जाएगा? अगर बोला जाता है हाँ लिया जाएगा, तो तुरंत दोस्तों आप अपने आके घर के किसी दूसरे कॉलेज में जाकर पता करिए जो नजदीक हो आपके घर से, ठीक है ना। नहीं तो वो तो कॉलेज वाले आपको अच्छे खासा लूटेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जरा ध्यान रखिएगा। और आपका एक और सवाल था कि एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पूरी अपडेट हम आपको देंगे और पूरी लिस्ट क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों बता दें, जो एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगता है उसके लिए आपको एक फाइल बनाकर ले जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो दोस्तों कि आप लोग होता है एक पॉलीथीन लिए और चलो ठीक है भाई, हाई स्कूल का रिजल्ट हो गया, इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का, ऊपर नीचे आप अपने मन से भरकर चले गए, ठीक है। पूरी एक लिस्ट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बढ़िया से फाइल में दोस्तों आप उसको मेंटेन करके ले जाएंगे। देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना कि यार डीएलएड में बच्चा एडमिशन लेने आए। और देखिए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और डीएलएड एडमिशन से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्र परेशान है लेकिन खुशखबरी भी है। गाइस खुशखबरी ये है ना कि अगर सीटें फुल नहीं हो पाती है, ठीक है, आपको बता दें 2 लाख से ज्यादा सीटें हैं डीएलएड में, ठीक है। अगर पीएनपी को लगेगा भाई हमारी सीटें फुल नहीं हो पाएंगी, तो ये आवेदन की जो अंतिम तारीख है उसको एक बार फिर से बढ़ा देंगे। जो हमारा डीएलएड का कोर्स है चाहे बीएड का, दोनों कोर्स दोस्तों सिर्फ इन कॉलेज को क्या है, पैसे से मतलब है। इनको पैसा कमाना होता है, आप पढ़ाई करें ना करें उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग भी दोस्तों डीएलएड या बीएड का कोर्स करके, भैया आपका भी तो एक ही टारगेट होता है कि हमको सरकारी टीचर बनना है, सरकारी अध्यापक। क्योंकि गाइस आने वाले समय में जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ते घटते रहते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, तो भैया यही सब जो नौकरी होती है सिक्योर होती है। बाकी अगर आप प्राइवेट स्कूल में टीचर होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो आपने देखा होगा जहां कोरोना बढ़ जाता है भैया स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। सोचिए कितना बुरा हाल था प्राइवेट टीचरों का फिलहाल जब से कोरोना आया है। पूरी अपडेट हम आपको देंगे। चलिए दोस्त एक एक करके शुरू किया जाए। पहला सवाल, क्या डेट और आगे बढ़ेगी? जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अंतिम तारीख फिलहाल क्या है, 30 अगस्त 2021 है। और जो आप पैसा जमा करने की अंतिम तारीख है वो 31 अगस्त है। और जो फाइनल दोस्तों सबमिशन होता है उसके लिए 1 सितंबर दिया गया है। कुल मिला के आप समझ लीजिए, जो आपके लिए जो तारीख है अंतिम वो 30 अगस्त है, ठीक है, 30 तारीख। तो क्या डेट बढ़ सकती है? देखिए गाइस, तब तक अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के अधिकांश छात्रों को रिजल्ट नहीं आता या सिर्फ कुछ ही बच्चों को रिजल्ट आता है तो डेट बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि भाई डीएलएड या जितने भी कॉलेज है ना प्राइवेट वाले, उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा अगर डेट नहीं बढ़ी। तो डेट बढ़ सकती है, कब बढ़ेगी? जब अधिकांश बच्चों को रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब पर्याप्त मात्रा में अगर मान लेते आवेदन हो जाते हैं तो फिर डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। दोनों कंडीशन हमने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल था कि क्या सीटें 2 गुनी होंगी? देखिए गाइस, आप लोग बात तो करते हैं कि भैया सरकारी कॉलेज की जो सीटें हैं उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अगर हम प्राइवेट कॉलेज की भी सीटें डबल करेंगे तो आप समझ रहे हैं ना कितनी ज्यादा सीटें हो जाएंगी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज वाले तो वैसे ही काफी ज्यादा परेशान है,
वो तो चाहते हैं भैया हमारी सीटें डबल क्या चार गुना कर दूं, लेकिन एडमिशन ही दोस्तों नहीं हो पाता। तो फिलहाल देखिए जो सरकारी कॉलेज की सीटें डबल होने की बात है वो फिलहाल ऐसा नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए, हम सही खबर आपको दे रहे हैं, उसका रीजन आपको बता दें। ऐसा दोस्तों पहले भी हो चुका है, जब BTC 2015 बैच था उसके बाद दोस्तों DLED का 2017 बैच आया है, ठीक है, मतलब 2016 का कोई बैच कभी DLED में आया ही नहीं। उस समय की दोस्तों एक गैपिंग थी, उस समय कोरोना भी नहीं था। लेकिन दोस्तों जब DLED का 2019 बैच आया तो इस साल DLED 2021 बैच आ रहा है, और आपको पता है कि DLED में 2020 में एडमिशन नहीं हुआ। तो छात्रों का ये कहना है कि भाई 2020 में जो बच्चे ग्रेजुएशन पास करके बैठे होंगे टॉपर, वो 2021 में अप्लाई करेंगे और 2021 वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे, तो सरकारी कॉलेज पाने में दोस्तों दिक्कतें आएंगी, अच्छे खासे मेरिट वाले छात्र भी सरकारी कॉलेज नहीं पा पाएंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको हकीकत बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई सब कुछ लिमिटेड होता है, जो इनके पास क्लासरूम्स होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है ना, रूल बना होता है। देखिए जो प्राइमरी स्कूल अगर आपके गांव में होता है, जहां पर भी आप रहते हैं, कहीं भी होता है, तो वहां दोस्तों एक अनुपात चलता है। अगर किसी प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चे हैं तो वहां पर एक टीचर की आवश्यकता होती है, अगर आपके प्राइमरी स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर 10 टीचर की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों रूल है, वैसे हर जगह ये रूल का पालन किया जाता है, अलग अलग कहीं पर दोस्त ये रूल होता है 25 बच्चों पर एक टीचर, ठीक है गाइस, तो इनको भी आपको समझना चाहिए। तो अब देखिए गाइस, जब आप लोग आवेदन कर लेंगे तो सबसे पहले दोस्तों जब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना, अब आपको बता देते हैं। देखिए अभी इसकी एक पूरी लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन फिलहाल तब भी हम आपको टेम्परेरी बता देते हैं, कम से कम आप उतनी चीजें तैयार रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो आप आवेदन करेंगे, जो आप फाइनल प्रिंट आउट निकालते हैं ये, ठीक है, ये वाला दोस्तों ये चीज आपके पास होनी चाहिए। और सबसे पहले दोस्तों जो आपका सबसे पहले पेज पर लगेगा वो लगेगा आपने 10,000 रुपये की जो पेमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार तो ये 10,000 फीस थी, 10,000 जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है, पहले नंबर पर अधिकतर वो रहता है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका ये रहेगा, जो ये आप फाइनल प्रिंट आउट निकालते हैं ना, ये इसको रखे रहिएगा, खोवाइएगा मत आप लोग। जहां पर दोस्तों आपका नाम लिखा होगा, माता जी का नाम, फादर्स नेम, सब कैटेगरी, ठीक है, ये सब चीजें आपकी लिखी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप OBC हैं, जनरल हैं, ठीक है, SC हैं, EWS है, सब कुछ आपका यहाँ मेंशन किया जाएगा। अगर दोस्तों आपने कैटेगरी OBC यहाँ पर शो किया तो गाइस उस समय आपको OBC का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपने जनरल किया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने EWS दिखा दिया, हम EWS कैटेगरी के हैं, तो गाइस आपको EWS का भी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए दोस्तों कुछ नहीं ले जाना होता है, हाँ कभी कभी दोस्तों आपसे एक आधार कार्ड मांगा जा सकता है, ठीक है, अभी हम आपको लिस्ट ही बता रहे थे। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको जो ये प्रिंट आप निकालेंगे वो चीज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपकी एकेडमिक आती है, ठीक है, एकेडमिक में दोस्तों आपका हाई स्कूल का भैया जो रिजल्ट होगा, ठीक है, आजकल सर्टिफिकेट सब कुछ एक ही में दिया जाता है, तो हाई स्कूल का रिजल्ट विद सर्टिफिकेट, चौथे पर दोस्तों होगा आपका इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, पांचवे पर दोस्तों ग्रेजुएशन का रिजल्ट होगा, छठे पर दोस्तों प्रोविजनल होगा, ठीक है, आपकी डिग्री तो ग्रेजुएशन में आएगी नहीं, इतनी चीजें हो गई। सातवें नंबर पर दोस्तों ये सब चीजें हो गई तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों, अगर आप EWS के हैं, OBC के हैं, ठीक है, SC के हैं, ST के हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, जो भी दोस्तों हैं, आपको उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैटर हो गया। और उसके बाद देखिए और क्या क्या चीजें आपकी लग सकती है। अब आता है आपका निवास प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है, ठीक है, उसके बिना तो एडमिशन ही नहीं हो सकता, यूपी का निवास प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। नौवे नंबर पर दोस्तों आपका आता है TC, जी हाँ दोस्तों, TC आपसे मांगा जा सकता है, जहां पर आपने ग्रेजुएशन किया होगा वहां से भैया 100-150 रुपये खर्चा करके TC आपको लेना पड़ेगा, काफी जगह ये आपको फ्री में भी उपलब्ध हो सकेगा, ठीक है, TC का मैटर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपसे आधार कार्ड, ये कोई ID प्रूफ मांगा जा सकता है। और आपको बता दें जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके दोस्तों दिख रहे हैं ना, ये सब ओरिजिनल लगने वाले हैं, ठीक है ना, लोकल वाला नहीं लगेगा, फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी उसके अलग अलग सेट आपसे बनवाए जाएंगे। ओरिजिनल दोस्तों इसलिए लगाया जाता है कि ताकि आप एक समय में दो जगह एडमिशन ना लें, ताकि भैया कॉलेज का नुकसान ना हो जाए। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिए, 41,000 आपने मतलब पेमेंट कर दी, या आपने कहा सर जी अभी हम 10,000 दिए हैं बाद में पैसा देंगे, प्राइवेट वाले मान जाते हैं, तो ये मैटर होता है, ठीक है ना, तो कॉलेज वाले भी होशियार हैं, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगेंगे। फिलहाल दोस्त ये सब चीजें हो गई, और ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा, बाकी जो भी चीजें और होंगी वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल कम से कम इतने डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल तैयार रखिएगा, ठीक है, तो लगभग दोस्तों इनकी लिस्ट होगी 10-12 के करीब आपकी लिस्ट आती है, और ये सब मैटर हो गया। और देखिए सरकारी कॉलेज की क्या दोस्तों कट ऑफ जा सकती है,
देखिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ सबसे हाई रहेगी, एक बात जरा ध्यान रखिएगा, अगर आप वो सरकारी कॉलेज की सोच रहे हैं तो सबसे हाई कट ऑफ जनरल की रहेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों EWS और OBC, जी हाँ दोस्तों कट ऑफ बिल्कुल आसपास हो सकती है। EWS में कौन से बच्चे आते हैं, जनरल कैटेगरी के आते हैं, लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिन बच्चों ने EWS का भैया सर्टिफिकेट बनवा लिया, वो बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। जनरल के बच्चे तो जनरल में है ही है, लेकिन अगर आपने EWS का फायदा लिया तो बढ़िया है। उसके बाद SC कैटेगरी है, ST है, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप है। तो ये मान के चलिएगा जनरल की दोस्तों जो कट ऑफ होगी सबसे हाई जा सकती है, बाकी EWS की जो कट ऑफ जाएगी 235 प्लस तक मान सकते हैं हम लोग, OBC भी 235 प्लस, SC का दोस्तों 225 प्लस, ठीक है, 225 से लेके 230 प्लस हो सकता है। ST में दोस्तों सबसे कम मेरिट जाती है, 210 प्लस में भी लास्ट आती आती हो सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। फिजिकल हैंडीकैप में भी दोस्तों 200 से लेकर 210 प्लस तक आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। फ्रीडम फाइटर आता है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन भी आता है, ये सभी चीजें। जनरल की कट ऑफ 240 प्लस जा सकती है। जनरल की कट ऑफ देखिए ज्यादा इसलिए जा सकती है ना, क्योंकि जनरल में EWS के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, OBC के बच्चे भी ओवरलैप करके जनरल की सीट ले सकते हैं। और आपको एक और अच्छी बात बता दें, जो दोस्तों ये आरक्षण होता है ना, आरक्षण सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए नहीं होता है, आरक्षण आपका प्राइवेट कॉलेज में भी लागू होता है। पहले आरक्षण से ही सीटें फुल की जाती हैं, अगर सीटें बचती है तो उसको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फुल किया जाता है। प्राइवेट कॉलेज वाले भैया अपना नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं सहते हैं। तो गाइस फाइनल कट ऑफ आपने समझ लिया मोटा मोटा रफली, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी आप समझ गए, पूरी लिस्ट लगभग लगभग, ठीक है। फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए, फाइनल ईयर का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। गलत आवेदन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें आपको संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अगर आपसे लगता है कि आपने मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ी कर दी है, जी हाँ दोस्तों देखिए जैसे आप लोग आवेदन करते होंगे, देखिए जैसे आपने हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर डाले होंगे ना, पहले कौन से साल में आपने पास किया वो डालना होता है, रोल नंबर आपका क्या था, टोटल नंबर कितना था, ये देखिए मार्क्स ऑब्टेन। अगर दोस्तों गलती से भी आपने यहाँ पर एक भी अंक ऊपर नीचे कर दिया तो गाइस आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो इसमें अगर गलती है तो आप लोग दोबारा आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो भैया फिर आपको कॉलेज मिलने में दिक्कत आएगी। और देखिए एक बात सबसे जरूरी चीज, जब दोस्तों आप लोग 10,000 पे पेमेंट करेंगे, जरा इस बात को सुन लीजिए समझ लीजिए, 10,000 के दोस्तों जब आप ठीक है कॉलेज अलॉटमेंट के लिए पेमेंट करते हैं ना, वो पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपने एक बार पैसा पेमेंट कर दिया तो वो पैसा लौट नहीं सकता है, उसके बाद आप कॉलेज ले ना ले कुछ गड़बड़ करेंगे तो उसका भैया खामियाजा आप ही भुगतेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। अफवाहों से सावधान रहिए, कुछ और बड़ी अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए DLED की भैया जो नोट्स है फ्री में पाने के लिए, कैसे पढ़ना है उसके लिए आपको वेबसाइट बता देते हैं, DELED, DLED रिजल्ट RESULT.com, ठीक है, DLEDResult.com गूगल पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।